मनोज जी, आज आपकी फिल्म का मुहूर्त है और साथ में सॉन्ग रिकॉर्डिंग भी है, तो क्या कहेंगे, कितना एक्साइटेड हैं आप फिल्म का? जी, पहले तो मैं बता दूं, मैं बहुत खुश हूं और मैं मनोज आर पांडे, मेरी ओर से मेरे सभी दर्शकों को दिल से प्रणाम है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज जब भी किसी की फिल्म का मुहूर्त होगा, मैं क्या कोई भी हीरो होगा तो बहुत खुश होगा। फिल्म एक मास फिल्म है, एक बड़ी फिल्म है, फिल्म का नाम है जहाँ लगता है सबका दरबार। यार उसको क्या कहते हैं, जनता दरबार। तो फिल्म का नाम है जनता दरबार। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जसवंत कुमार जी, जो कि इंडस्ट्री के एक बड़े मेकर हैं, बड़े प्रोड्यूसर, बड़े निर्माता हैं। ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में अगर चार बड़े प्रोड्यूसर्स हैं तो उसमें एक प्रोड्यूसर जसवंत जी है। और फिल्म इंसानी की कहानी तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है आज के दौर में, सिनेमा में कहानी बहुत मायने रखती है। सही कहानी आपने देखी है फिल्म कहानी? मेरे सभी प्रोड्यूसर्स को, मेरे दर्शकों को भी पता है कि मनोज आर पांडे, इसलिए थोड़ा सा बदनाम हूँ कि मैं कहानी पहले देखता हूँ, मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता। मैं चार पांच टेक्नीशियन हैं जो मुझे फिल्म के लिए आते हैं कभी भी साइन करने, तो मैं उनको नाराज़ कर सकता हूँ, पर मेरे जो ऑडियंस है ना, जो लाखों की ऑडियंस है, उनको मैं नाराज़ नहीं कर सकता। चार को खुश करने के लिए मैं सबको नाराज़ नहीं कर सकता, आपको नाराज़ नहीं कर सकता। इसलिए बता दूँ कि मैं कहानी पहले देखता हूँ। और रही बात, मैं तो कहानी देखता ही हूँ, बट अगर कोई एक बड़ा प्रोड्यूसर फिल्म लेकर आता है तो मुझसे पहले उसको फिल्म की चिंता होती है, क्योंकि उसका नाम ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश है। जैसे कि जसवंत जी, तो जसवंत जी खुद अपनी फिल्म को लेकर बहुत ही, मतलब उस बंदे को मैंने देखा, लिटरली पागल रहता है वो बंदा। कहानी हो, गाने हो, अभी भी जो गाने की रिकॉर्डिंग चालू है, वो भी गाना 2021 का बिग हिट गाना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है। ये गाना दो जनता दरबार का जो गाना है, जिसको मोहन राठौड़ और अलका झा गा रही है, ये गाना 2021 का बड़ा हिट है, तो जसवंत जी की वजह से है, बिकॉज वो बंदा अपनी फिल्म को लेकर बहुत डेडिकेट होता है। मेरा पार्ट तो बाद में चालू होता है जब मैं ऑन सेट जाता हूँ। ठीक है, मैं कहानी देखता हूँ, मेरा किरदार देखता हूँ, बस। फिल्म कब शूट हो रही है और लोकेशन के बारे में कुछ अगर आप रिवील कर दें तो? लोकेशन क्या है, लोकेशन यूपी है, और ज़रूरत पड़ा जैसे फिल्म की जो डिमांड हो वैसा लोकेशन है। एक मैं बता दूँ कि जसवंत कुमार बहुत परिपक्व आदमी है, और उनकी फिल्म को लेकर मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए, इसलिए मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। मुझे पता है वो बंदा खुद डेडिकेट होकर पूरा काम कर रहा है। भोजपुरी सिनेमा में अभी आपने पीछे कुछ देखा है, कुछ चल रहा है, उसके बारे में कुछ रिएक्शन देना चाहेंगे कि आपस में एक दूसरे से बहुत लड़ाई झगड़े इस तरह का माहौल चल रहा है? बेवकूफ़ हैं ऐसे लोग जो आपस में लड़ाई करते हैं, कोई भी हो। जितना ध्यान आप दूसरों पे दे रहे हो ना, उतना ध्यान आप खुद पे दो, कोई भी हो। तो आपकी किसी के बारे में कटाक्ष करने से अच्छा है आप खुद पर ध्यान दें, किसी के बारे में कटाक्ष मत दो। हर आदमी यहाँ रोजी रोटी कमाने आया है, रोजी रोटी कमाओ, अपना घर चलाओ। जितनी मर्दानगी दिखानी है, जितना तेवर दिखाना है, वो सब अपना घर, अपना परिवार, अपना समाज बचाने में दिखाओ। मैं इसको रे बोल दूँ, वो मुझे भी रे ही बोलेगा। मैं उसको लव यू बोलूँगा, मुझे लव यू टू बोलेगा। तो यार लव यू बोलो ना यार, किसी को मोटिवेट करो, किसी को डोमिनेट मत करो। एक बात याद रखना, किसी के बारे में अपनी राय कायम ना करो, उसका वक्त बदलेगा, आपकी राय बदल जाएगी। पता है, एक चाय वाला था जो आज हमारा पीएम है, सबको सल्यूट करना पड़ता है, मैं अभी करता हूँ। एक योगी था, संत, सीएम है, डंडा करके छोड़ दिया है एक तांडो जैसी फिल्म के लिए। मेकर्स को समझ में आ गया कि मैं कुछ भी नहीं परोस सकता जनता के सामने। डर बहुत ज़रूरी है, डरो, क्योंकि क्या होता है पता है, धन का बड़ा ठीक होता है, मन का बड़ा ठीक नहीं होता। और जब कोई मन का बढ़ता है, जैसे रावण मन से बड़ा हो गया था, क्या हुआ, उससे बड़ा कोई बलि था? तो मूर्खता मत करो, सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ पट्टा लगाओ, घोड़े की तरह अपने काम पे फोकस करो। किसी को खुश नहीं कर सकते हो तो किसी को नाराज मत करो, किसी पर कटाक्ष मत करो। मेरी ओर से दिल से सबको विशेष है, आपस में झगड़ा मत करो। मनोज जी, 26 जनवरी है, उसकी कुछ विशेष है? भारत मेरा देश है, मैं सदा कहूँगा मेरा भारत महान था, महान है और महान रहे।
मेरे सभी दर्शकों को, यहाँ तक मेरे सभी देशवासियों को मैं यही कहूँगा, एक दूसरे से प्यार करिए, किसी का दिल मत दुखाइए, दिल में उतरिए, दिल से मत उतरिए, क्योंकि दिल में उतरना और दिल से उतरना ये दोनों आप लोगों के पर ही निर्भर है। ज़बान ऐसी बोलिए किसी को अच्छा लगे। सरस्वती मैया से मैं रोज़ बोलता हूँ, मेरे मुँह से कुछ ऐसा ना निकले कि कोई मुझसे नाराज़ हो जाए, यही मैं कहूँगा। देखिए मैं अपनी भोजपुरी जगत के लिए भी एक चीज़ कहूँगा, इधर उधर तामझाम करते हैं ना, आज एक फिल्म आई है KGF, यंग लड़का है, सबको बीट कर दिया। मैं भी सल्यूट करता हूँ उस बंदे को। क्या हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के पास हीरो नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है हम, हमारी जबान नहीं है, हमारे पास तेवर नहीं है, हम डायलॉग बोलना नहीं जानते? कमी सिर्फ इस बात की है ना कि हम अपने काम पर फोकस नहीं करते। जिस दिन हमने काम पर फोकस कर दिया ना, याद रखना भोजपुरी का बिजनेस 3,000 करोड़ होगा, हम भी बाहुबली से बड़ी फिल्म बनाएंगे। मेरे सदा से आदर्श रहे हैं रजनीकांत जी, मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं उनसे मेरा बहुत थसन रहता है, पर सिर्फ किस चीज़ को लेकर पता है? काम को लेकर, उनके नेचर को लेकर। मैं चाहता हूँ मैं उनसे भी अच्छा बनूँ। उनको 250 लोग प्यार करते हैं, मुझे 2,50,000 लोग प्यार करें। एक दिन वो भी मुझे कहें कि मुझे उस बच्चे से मिलना है जो मुझसे भी नेचर में अच्छा है, और मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। आप भी ऐसा कुछ करिए।